कैसे आप सब सेशन इज लाइव आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आप लोगों को मेरी जल्दी से मुझे बता दीजिए कुछ ही सेकंड में सेशन स्टार्ट करते हैं आवाज एक बार चेक कर लेते हैं यस लाइव है जी लेट्स कुछ इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज भी क्लास हैं ठीक है थीके? आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है मैं भी इस लिंक को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ आप लोग भी कर दीजिए और आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है ये ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग ठीक है लेट स्टार्ट द सेशन गाइज ओके ओके लेट्स सही है कुछ पी वाई क्यूज हैं इस सेशन के अंदर जो आपके लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स आप ए टी सी एग्ज़ाम देने वाले हो या इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो फिलहाल बिल्कुल सही मौका है टेस्ट बुक पर उम्मीद वर्ल्ड कप सेल चल रहा है फ़ायदा यह है कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है ठीक है अगर आप कोर्स लेते हैं सिक्स मंथ्स का तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी थ्री मंथ्स की आपको साथ में मिलने वाली है यानी आप नाइन मंथ्स के लिए सारी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ प्रैक्टिस सेट्स टेस्ट सब दे पाएंगे ठीक है इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज कर लेना है गोपिका कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो मैं इन बिटवीन बता दूंगी ठीक है गोपिका कूपन कोड दिलाएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और आपके पास मोका लिमिटेड टाइम ऑफर है ये ठीक है जैसे ही हट जाएगा फिर रेट बढ़ जाएंगे और आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा कोर्स प्राइस मैक्सिमम रेट पे आ जाएगा

जल्दी hmm. से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विच इज ऑन द स्क्रीन गाइज चलिए मैं साइड में हो जाती हूँ अच्छा इस साइड हो जाऊ आपके आगे अड़ रही हूँ क्या चलिए चलिए प्लीज डू दिस वन ठीक है द रेशियो ऑफ एफिशियंसी ऑफ ए बी सी इज टू इज टू फाइव इज टू थ्री वर्किंग टूगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन ट्वेंटी सेवन डेज बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट फोर बाय नाइन्थ ऑफ पार्ट ऑफ द वर्क इन हो मेनी डेज ठीक है बताइए प्लीज आंसर जल्दी से आंसर करिएगा सब लोग एवरी वन सोल्व इट फास्ट प्लीज आपको वर्किंग एफिशिएंसी की रेशियो दी हुई है ठीक है जल्दी से बताइएगा आपको बोल रहा है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी ठीक है टू इज टू फाइव इज टू थ्री है दोनों किसी काम को सत्ताईस में कर रहे हैं ठीक है दे आर वर्किंग बढ़िया मीना जी मुबारक हो तीनों मिलकर ठीक है आपके एग्जाम में चार ऑप्शन आते हैं पहले ही बता रही हूँ बाय चांस ये टाइप हो रहा है एक्स्ट्रा ऑप्शन वर्किंग टुगेदर 27 डेज दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करते हैं दस काम सत्ताईस दिन में कितना काम कर देंगे टू सेवेंटी वर्क कर देंगे ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है ये इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो है फाइव इज टू थ्री इज टू टू तीनों मिलकर एक दिन में दस काम करते हैं सत्ताईस दिन में 270 काम कर देंगे आपसे कह रहा है कि बी और सी से पूरे काम का फोर बाय नाइन्थ पार्ट करवाओ तो 270 का फोर बाय नाइन्थ पार्ट मतलब कि 120 काम करवाना किससे है 120 सौ काम हु इज डूइंग दिस 120 सौ वर्क तो ये 120 वर्क करने के लिए आप मेरे को बताइए कौन इन्वॉल्व होने वाले हैं बी और सी इन्वॉल्व होने वाले हैं तो अगर 120 काम बी और सी करने वाले हैं तो बी और सी की एफिशिएंसी तो आठ है ना देखिए हर ये तीनों मिलकर एक दिन में दस काम करते हैं सत्ताईस दिन में दो सौ सत्तर काम करेंगे मुझे दो सौ सत्तर नहीं करवाने मुझे दो सो सत्तर का फोर नाइन्थ करवाना है यानी एक सौ बीस करवाना है तो एक सौ बीस काम करवाना है मुझे बी और सी से मिलकर आठ की एफिशिएंसी से पंद्रह दिन लगेंगे क्योंकि दोनों एक दिन में आठ काम करेंगे तो 120 काम को करने में इनको कितने दिन लगेंगे पंद्रह दिन ठीक है कोई बात नहीं आपकी मेहनत जारी रखिए ना पंद्रह दिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है मेरी बात आपको समझ में आ रही है ठीक है क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को जल्दी बोलिएगा अब देखना इज इट वर्किंग यस 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 अब सही चल रहा है ठीक है चलिए चलिए अब ओके चल रहा है सॉरी चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ध्यान से ट्राई करिएगा सब लोग ठीक है जल्दी से ट्राई करना है एकदम सुपर फास्ट आंसर करेंगे आप सब ठीक है चलिए ये रहा अब तो आ रहा है ना सही चल रहा है लीजिए कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था सॉरी फॉर डैट अभी चल रहा है नालेन ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर By selling five article for 18 rupees, MN 10%. If sell three article for for rupees, rupees If sell three what will be the profit percent? करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सब अभी इट इज वर्किंग properly, प्लीज आंसर द क्वेश्चन guys. by selling five article for rupees eighteen, a man loses ten percent. If we sell three article for rupees fifteen, what will be the profit percent? Everyone. By selling five article for rupees eighteen, a man loses ten percent. If we sell three article for rupees fifteen, what will be the profit percent? Anyone. आइए मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को करने का एक फर्स्ट क्लास बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए वो बताती हूँ ठीक है क्या हो गया अब तो आवाज सही आ रही है कोई नहीं है सब सही चल रहा है। ये 5 आर्टिकल 18 में आपको 10 खरीद के लाए आपने बेचे अठारह रुपए में आपको टेन परसेंट का लॉस हुआ इसको मैंने ट्रिकी वैसे आपको पहले वाले किसी सेशन में करवाया भी हुआ है कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ लेटर सपोज पांच आर्टिकल आपने बेचे अठारह रुपए में है ना

आपने सामने वाले को 10 परसेंट लॉस पर बेच दिया आपको सामने वाले ने 90 दिया सीपी का और अठारह रख दिए ठीक है 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 एक और स्टेटमेंट है, है। कहता है, तीन आर्टिकल के होंगे मैं दिया में बेचू तो मेरे को क्या होगा प्रॉफिट बोल रहा है इसका मतलब हंड्रेड प्लस कोई परसेंट आएगी प्रॉफिट बोल रहा है ना लॉस बोल रहा होता तो इस तरह से माइनस में होती तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए ठीक है

To, तीन आर्टिकल्स पता नहीं क्या हुआ 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 प्रॉफिट लॉस छोड़ो ठीक तो है जो भी आएगा अपने आप दिख जाएगा परसेंटेज में छोड़ दो बेस्ट अप्रोच टू हैंडल दिस क्वेश्चन आप जब कार्टन पिटी करेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा परसेंट परसेंट ना ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है पांच पे कटा ये पांच पर कटा और ये सारे मिलकर यहां जाके 125 बन गए तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 100 प्लस में क्या जाएगा आप बोलोगे 100 प्लस में पी मतलब 25 रहा होगा तो आंसर हमारा 25 परसेंट प्रॉफिट हो गया हे P पी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट येस योर आंसर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है इस तरह से करना बेस्ट रहेगा ठीक है इस तरह से करना बेस्ट तरीका रहेगा। क्लास के बाद ये जो PDF है ना आप यहां से pick कर सकते हो। ठीक है, कॉपी का स्कैन करके आप जोड़ भी सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Let's do the next question, ध्यान से करना ठीक है अगले क्वेश्चन को ध्यान से ट्राई करेंगे आप सब मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेके आ रही हूँ अगर आप 25% परसेंट कमीशन देते हो मार्क प्राइस पर तो पब्लिशर को 30% परसेंट प्रॉफिट होता है अगर कमीशन बढ़ा के अट्ठाईस परसेंट कर दी जाए तो गेन परसेंट कितना होगा कमीशन इन द सेंस डिस्काउंट वर्ड थोड़ा सा खतरनाक दिखा रहा है अगर आप 25% परसेंट कमीशन देते हो मार्क प्राइस पर तो पब्लिशर को 30% परसेंट गेन होगा मतलब जो पब्लिशर है ना वो अगर आपको थर्टी परसेंट कमीशन देते पच्चीस देने का क्या मतलब हुआ डिस्काउंट देना आप मेरी दुकान पे आओ मैं आपसे कहूँ कि आप ये बुक ले जाओ पच्चीस परसेंट कमीशन इन सेंस मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ कि आप इतना परसेंट पे मत करो पच्चीस परसेंट कम पे कर दो आपको 25 परसेंट कम देने पर मेरे को 30 परसेंट प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं आपको 28 परसेंट कमीशन दे दू तो मेरे को प्रॉफिट कितना परसेंट होगा ठीक है ये ना एक्चुअल में क्वेश्चन आपने सुना होगा कि डिस्काउंट पच्चीस परसेंट तो प्रॉफिट होता है थर्टी ये जान करके डिस्काउंट को ना एग्जामिनर ने वर्ड बदल के कमीशन लिख दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए ठीक है फिर कहता है अगर कमीशन 28 परसेंट यानी डिस्काउंट 28 परसेंट हो जाए तो प्रॉफिट कितना परसेंट होगा बताइए कैसे हैंडल करोगे चलिए जल्दी से बताइए अगर किसी दुकानदार को किसी भी दुकानदार को आपको कमीशन परसेंट देने के बाद अगर प्रोडक्ट के ऊपर 30% परसेंट प्रॉफिट होता है तो किस किस को एक बात पता है कि उस आर्टिकल के सीपी और एम की रेशियो निकल के आ सकती है हु नो दिस आपको यह पता है कि आपने कितना डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट कमाया क्या आप सीपीएमआरपी की रेशो निकालने का तरीका जानते हैं डू यू नो वट इज द मैथड टू फाइंड द रेशो सी पी एंड पी कभी भी इसको हटाइए छोड़ो पर इसको समझने की कोशिश करिए आपने किसी प्रोडक्ट पे पच्चीस परसेंट ऑफ देने के बाद भी तीस परसेंट प्रॉफिट कमा लिया इसका यह मतलब है कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर टैग ज्यादा लगा रखा है आप यहाँ से सीपीएमआरपी की रेशो निकाल सकते हो डू यू नो की सीपी और एम आर पी की रेशो निकालने के लिए हंड्रेड माइनस डिस्काउंट परसेंट और हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट यूज़ होता है ये बात आपको पता है कि नहीं पता जल्दी जल्दी बताइए ठीक है वेरी सिंपल क्योंकि एसपी सेम होता है ठीक है सीपी से प्रॉफिट के थ्रू एसपी तक पहुंचते हैं एमआरपी से डिस्काउंट के थ्रू ठीक है ये बात जानते हो कि नहीं जानते जल्दी से कमेंट में बताओ जिसको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ देखो अगर मैंने आपको पच्चीस डिस्काउंट दिया इसका मतलब आप मेरे को एम का पिचहत्तर पे करेंगे आप कस्टमर हैं आप मेरी दुकान पर आए मैंने कहा 25 परसेंट ऑफ चल रहा है आप कहोगे अच्छा एम का पिछहत्तर परसेंट पे कर देता हूँ ठीक आपके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे को थर्टी परसेंट प्रॉफिट हो गया मतलब मैंने आपसे सी का वन थर्टी परसेंट ले लिया ठीक है तो मैं यहीं से आपको एक फॉर्मूला निकाल के दे रही हूँ कि कभी भी आप सी और एम का रेशो निकालते हो तो हंड्रेड माइनस डिस्काउंट अपॉन हंड्रेड प्लस प्रॉफिट यू कैन क्रॉस चेक ये पिचहत्तर है और एक है आप चेक कर सकते हो पिचहत्तर के नीचे एक सौ तीस जा रहा है डिस्काउंट पच्चीस था प्रॉफिट तीस था है ना प्रूव हो गया ना तो ठीक है सबसे पहले आप नाउस आर्टिकल के सी पी और एम आर पी की रेशियो निकाल लीजिए ठीक है आपने कहा मैम इस हिसाब से तो हम ये सोच सकते हैं कि इस फॉर्मूले में हम एक बार अट्ठाईस को भी चेक करके देख लें बिल्कुल कर सकते हो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो आइए पच्चीस को पुट करते हैं तो पिचहत्तर प्रॉफिट को पुट करते हैं एक सौ तीस सामने अट्ठाईस को पुट करते हैं तो सेवेंटी टू और नीचे एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं हंड्रेड प्लस पी छोड़ के चलेगा आप लोगों को क्या कई बात आपको समझ में आ रही है क्या मैं ऐसे छोड़ के कर सकती हूं हंड्रेड प्लस प्लस पी करके मैंने छोड़ दिया मैंने कहा एक बार मैंने ये वेरीफाई मारे फिर मैं इसको वेरीफाई करने लग गई तो पी मेरे को मिसिंग था नीचे वाला मेरे को मिसिंग था तो मैंने ऐसे छोड़ दिया लॉस भी हो सकता है अगर लॉस होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह माइनस यूज हो जाता है ठीक है इधर देखिए आइए सोल्व करते हैं इसको शुरू करते हैं पिछहत्तर के टेबल पर दो पकट कट गया दो पे नहीं कटेगा सौ तीस है मेरे को लगा एक सौ पचास है मैं अब काटना शुरू करती हूँ इसको कोई मोटा मोटा नंबर बताइए ना तीन के टेबल पे काट दूं क्या तीन के टेबल मैंने काटा तो बना तीन दुए छोक तीन, तीन दुए छ मैंने फिर पांच के टेबल पे काटा पांच पांच पर गया पांच इंटू दो और पांच सत्ते इसको चलते हैं ठीक है और पांच से डिवाइड मारेंगे तो हंड्रेड प्लस पी चौबीस इंटू सत्ताईस के नीचे जाएगा पांच मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग सारे मिलकर ठीक है वेरी गुड है जी वेरी गुड है, वेरी है का सही जा रहा है चौबीस इंटू वैसे मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं थोड़ा स्मार्टली खेल जाती ठीक है अच्छा एक सुन लीजिए मैं एक एक स्टेप आपको सिखा रही हूँ बचा सकते हैं ठीक है तरीका बताऊं के करने वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पांच से डिवाइड करना है ना जब भी कभी पांच से डिवाइड करना हो ना तो दस बटा दो करके ऊपर दो लिख दिया फायदा क्या इधर देखो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट पर छ आएगा गुना सही है ना चौबीस और सत्ताईस ही बन रहे हैं थ्री टू जिक्स थ्री फोर इन्होंने पूरा एग्जैक्ट नहीं निकाल रखा क्या एक बार गुना कर लेते हैं मैं ऐसे सोच रही थी कि गुना के बिना भी काम चल जाएगा बट क्यों नहीं हो रहा है चलिए देखते हैं एक बार इसकी मल्टीप्लीकेशन बताना तो कितनी है हैं जी सिक्स फोर्टी एट बन रही है इसकी मल्टीप्लीकेशन चलिए चौबीस दूनी चार सौ अस्सी हो गया चौबीस सत्ते कितना हो गया वन सिक्सटी एट फाइव फोर्टी एट बन रही है ना हम सिक्स फोर्टी एट को फाइव से डिवाइड कर लेते हैं मैं एक्चुअल में पांच से डिवाइड नहीं करती होती दस बटा दो लिख लेती होती हूँ ठीक है जब मैंने दस बटा दो लिखा आई विल गेट मेरे को लगता है इसके ना ऑप्शन थोड़े गड़बड़ है ठीक है आठ दूनी सोलह ये तो वन टू नाइन सिक्स बन रहा है प्रो ऑप्शन में तो है ही नहीं ऐसा कोई है ना ये वन टू नाइन सिक्स बन रहा है ना वन थर्टी है ओ माई बैड ये झोल कर दिया क्या फाइव लिख दिया गलती से शिट सारा मामला खराब हो गया अरे यार लिखने में गलती कर दिया डाटा गलत लिख दिया वन थर्टी फाइव लिख दिया शिट तभी मैं कहूँ कि ऑप्शन से हो क्यों नहीं रहा कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं पिचहत्तर एक सौ तीस मैं वही कहू होना तो चाहिए था ऑप्शन से डिस्काउंट को डाला सेवेंटी टू और हंड्रेड प्लस छोड़ दिया सब सही था गलती से यहाँ पाँच लिख दिया था कोई नहीं कर लेते हैं फाइव के टेबल पे काट लेते थ्री पे काटा था ना थ्री पे काटा था ना ट्वेंटी फाइव फाइव और फाइव टू सा फाइव सिक्स ठीक था बाकी सब कुछ ठीक है पेन के बिना ही होएगा ये हंड्रेड प्लस प्रॉफिट की जब बारी आई तो छब्बीस और चौबीस मल्टीप्लाई होंगे नीचे पाँच जाएगा मैं आपको जो कहना चाह रही थी वो यूनिट डिजिट का गेम था जब नीचे पांच है ना तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी नंबर को पांच से डिवाइड मत करिए आप उसको दस बटा दो लिखिए छह चौक चौबीस दुए पीछे आठ आएगा बस मैं ये सोच रही थी कि पीछे आठ है ये जो भी वैल्यू बनेगी ठीक है ये जो भी वैल्यू बनेगी ये हंड्रेड प्लस बनेगी ठीक है हमको पता है ना ये हंड्रेड प्लस बनेगी ये वाली वैल्यू हंड्रेड प्लस बनेगी पीछे आठ आ रहा है तो मेरे को एक ही जगह तो आठ दिख रहा है चौबीस पॉइंट आठ में ऐसे सोच रही थी ठीक है पर पूरा मल्टीप्लाई भी कर लूंगी तो आपको प्रूव करके भी दिखा देती हूँ कहीं आप ऐसे ना सोचे कि हमें समझ नहीं आया छब्बीस इंटू चौबीस करना है कर दीजिए ठीक है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आठ और बारह बीस और दो बाईस ठीक है मल्टीप्लाई करना है छह चौक चौबीस चार दो ना बारह और आठ बीस बीस और दो बाईस और ये बन गया छः और आप टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वन टू फोर एट बाई टेन यानी कि वन टू फोर पॉइंट एट आएगा ये जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना फाइनली आपको ये मिलेगा तो देखो ना चौबीस पॉइंट एट फालतू है ठीक है समझ गया आप सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ध्यान <coughs> से समझ लीजिएगा कोई को इशू नहीं है आराम से पूछ लीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं दोबारा भी बता दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा लीजिए अगला क्वेश्चन ये है द प्रोफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस मच इज सेम एज लॉस वैन आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर दिस मच वट इज द कोस्ट प्राइस ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बहुत आता है बहुत बार पूछा जाता है इसका आंसर करिए ना आप सब वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने किसी आर्टिकल को टू वन फाइव फोर में बेचा है तो जो आपको प्रोफिट हो रहा है ना वो बिल्कुल सेम है उस लॉस के जब आर्टिकल को सिक्सटीन नाइनटी टू में बेचते हो आप मुझे कोस्ट प्राइस बता दीजिए प्लीज सॉल्व दिस वन एनी वन ऑफ यू करिए ना इस क्वेश्चन को ट्राई वेरी गुड एवरेज निकालना है बहुत बढ़िया आपने क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं आर्टिकल को टू वन फाइव फोर में बेचता हूं आई गोट प्रॉफिट मेरे को प्रॉफिट हुआ आई मीन प्रॉफिट

इसका साफ साफ मतलब यह हुआ कि सीपी जो है मेरा कोस्ट जो है मेरी कॉस्ट जो है, तो है, 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 तो मैं है, है। इसीलिए मैंने बीच में लिख दिया और खास बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सेम टू सेम है प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सेम टू सेम है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस एवरेज वैल्यू आएगी इन दोनों की ठीक है आप एवरेज निकालिए आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1692 से बड़ा आंसर होगा इन दोनों का एवरेज निकालना होगा या तो इनके गैप को आधा कर लीजिए या इनका एवरेज निकाल लीजिए एक काम ये भी कर सकते हो कि इस गैप को कर लो पहले इस गैप को कर लो आप लोग पहले जब आप गैप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 462 सही है ना ब्रो ठीक है 462 को आधा कर सकते हो 231 हो जाएगा मैंने इस डिफरेंस को निकाल लिया एवरेज की तरह भी कर सकती थी डिफरेंस की तरह भी कर सकती हूँ तो 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 ना क्वेश्चन के साथ वन नाइन टू थ्री आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे मैच हो गया जल्दी जल्दी मेरे को बताइए सीपी कितना हो गया आर्टिकल का वन नाइन टू थ्री ठीक है नालेन समझ गए जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सब लोग समझ गए ना इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया मैं आपको हर बार बोलती रहती हूँ कि रोमबस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हद से ज्यादा आता है जल्दी से ट्राई करिए सब लोग एवरीवन सॉल्व दिस प्लीज आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग बन गया तो बताइए ना नहीं बना तो दोबारा पूछ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा पूछ लेना इसका आंसर करिए आप मेरे को <coughs> क्वेश्चन क्या बोल रहा है वन साइड ऑफ रोम्बस इज सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगनल इज फोर्टी फोर्टी एट सेंटीमीटर मुझे एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए आई नीड एरिया ऑफ रोम्बस बताइए एक साइड दे दी रोम्बस की एक डायगनल दे दिया एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहा है वन साइड पूछ ली वन साइड दे दी अच्छा रोमबस की नॉलेज है रोमबस के बारे में सारा कुछ पता है रोमबस के डायगनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं रोमबस की सारी साइड सेम टू सेम होती है रोमबस की सारी साइड डिक्टो सेम परपेंडिकुलरली नब्बे पे काटते हैं डायगनल्स और रोमबस का जो एरिया होता है वो वन बाई टू डी वन डी टू होता है इट इज वन बाई टू डी वन डी टू ठीक है तो यार आपने बोला मैडम एक साइड छब्बीस है

तो आपको पता होगा मैंने आपको कुछ ट्रिप्लेट्स से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन आपके सामने रहती हूँ सात चौबीस पांच बारह तेरह आठ पंद्रह सत्रह मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने ये चार ट्रिपलेट तो जरूर याद कर रखे होंगे ठीक है पांच बारह तेरह राइट एंगल ट्रेंगल का एक ट्रिपलेट होता है देखिए ना बारह को डबल करके चौबीस कर रखा है

जब मैंने यहाँ पे 48 लिख दिया तो अगला डायगनल मेरा कितना निकल के आ गया 20 ठीक है तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया और मुझे पूरा एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया ठीक है रिंकेश ठीक है इज द आंसर कि इसका एरिया होगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत ही सिंपल सा एक सवाल बताइए जरा आंसर क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस के दो से तीन सवाल देखने को मिले थे एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर करिए राकेश परचेज ए टेवी फॉर दिस मच एंड पेड दिस मच फॉर ट्रांसपोर्टेशन और उसने फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव में बेच दिया मुझे बताइए प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ठीक है स्टेटमेंट भी एज इट इज डाटा भी सेम जल्दी बताइए पांच हजार रुपए में आपने खरीदा ढाई सौ रुपये आपने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करके पांच हजार पिचहत्तर में बेच दिया आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है रेशो यूज कर लीजिए आपकी जेब से कुल मिला के तो पांच हजार दो सौ पचास खर्च हो गए ना लेकिन आपने कमाए सिर्फ पांच हजार पिचहत्तर <coughs> रेशो लेके करना है या बाद में काटना है आपकी मर्जी है तो मैंने कहा जी ये सीपी का मामला है ये एसपी का मामला है दो सौ पचास मैंने जोड़ दिए जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है इजी क्वेश्चन है ठीक है बताइए ना जरा इसमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है बोलोगे मैम लॉस हो रहा है आप मैच करेंगे पांच हजार पांच हजार नजर आना बंद हो जाएगा है ना पांच हजार पांच हजार नजर आना बंद हो जाएगा ढाई सौ में से पिछहत्तर को घटाओगे अगर तो आपको क्या मिलेगा एक सौ पिछहत्तर रुपए का घाटा मिलेगा ढाई सौ माइनस पिछत्तर एक सौ पिचत्तर प्लस पिचत्तर ढाई सौ होता है पांच हजार दो सौ पचास पर मुझे एग्जैक्ट तो डाटा नजर आ रही ना काटना पीटना शुरू कर दू क्या बताइए ना किस पर कटेगा फाइव पे काट लो फाइव वन जीरो फाइव हो गया अब एग्जेक्टली exactly तो कट नहीं रहा सबको समझ में आ रहा होगा ठीक है और बताइए इस पर काटे दोन फाइव पे काटा तो ट्वेंटी वन सेवन फाइव थ्री जा टेन बाय थ्री आ गया ब्रो टेन बाय थ्री इज नथिंग बट थ्री वन बाय थ्री वैसे ही समझ में आ गया था कि एग्जैक्ट पांच तो बन ही नहीं रहा और लॉस हो रहा है तो आप अंदाजे से भी आंसर कर सकते थे ठीक है देखो लॉस हो रहा है कंफर्म था ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा पांच परसेंट जैसा दिख नहीं रहा फ्रैक्शन में आंसर दिख रहा था ठीक है आइडिया बेस्ड आंसर भी कर सकते थे पर मैंने पूरा सोल्व कर दिया टेन बाय जो थ्री होता है वो थ्री वन बाय थ्री परसेंट होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं ना अगला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा करिए बिल्कुल तसल्ली से ध्यान से

आपने एक बुक और पेन में पूरा मिला के खर्चा जो किया है ना आपको बुक और पेन पर कुल मिला के जो खर्च करना पड़ा ना वो आपकी जेब से गया थ्री नाइनटी रुपीज आपने बुक को टेन परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया आपने पेन को पंद्रह परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया और टोटल प्रॉफिट आपको ये हो रहा है आप बताओ कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बना एनी मैं समझाऊ देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का द बेस्ट तरीका ये है कि आप ना एक बार ये मान लीजिए सेटिस्फाई द जूनियर जूनियर सेटिस्फेक्शन जिसको मैं बोलती छोटे मियाँ को संतुष्ट करो ठीक है तो ये मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है जो बच्चे नए हैं क्लास में ध्यान से समझ लीजिएगा बुक पर टेन परसेंट प्रोफिट हो रहा है पेन पर पंद्रह एक बार के लिए मान लो कि पेन पर भी टेन परसेंट प्रॉफिट हो रहा है इग्नोर कर दो पेन का पांच परसेंट समझ लिया तभी मैं बोल रही हूँ सेटिस्फाई द जूनियर छोटे वाले को संतुष्ट करिए छोटी परसेंटेज मान ली सेम है सेम मान ली बुक भी टेन पेन भी टेन तरीके बहुत सारे हैं दिस इज द शॉर्टकट मेथड बुक भी टेन परसेंट प्रॉफिट पेन भी यानी टोटल टेन बुक पर भी टेन पेन पर भी टेन टोटल पर टेन टोटल कॉस्ट पर टेन है ना बुक पर भी टेन पेन पर भी टेन तो ओवरऑल कॉस्ट पर टेन है ना लिख सकती हूँ ना लेकिन ओवरऑल कॉस्ट तो तीन है प्रॉफिट इस हिसाब से 39 हुआ बट प्रॉफिट तो 39 नहीं है प्रॉफिट तो 39 नहीं है प्रॉफिट तो 51.5 है व्हाई नॉट मैचड रीजन बीइंग 12.5 का लोचा क्यों हो रहा है क्योंकि आपने पेन के 5% को इग्नोर कर दिया पेन के ऊपर हुआ 5% प्रॉफिट ही तो 12.5 की कमी को पूरा करेगा यहाँ से आपको पेन का कॉस्ट पता चल जाएगा पेन के कोस्ट पर जो पांच परसेंट इग्नोर हुआ था वही तो बारह पॉइंट पांच रुपए को पूरा करेगा यहां से पकड़ लीजिए पेन के कोस्ट को निकाल लीजिए पेन का कोस्ट निकल के आएगा टू फिफ्टी काट के दिखाऊं ये देखिए टू पॉइंट फाइव पर कटा और टू पॉइंट फाइव को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया ऐसे जगह कम है इसलिए मैं कम लिख रही हूँ ढाई इंटू सो जब होगा ना तो ये पॉइंट से कट जाएगा ढाई सौ अगर पेन ढाई सौ रुपए का है अगर पेन ढाई सौ रुपए का है दोनों माल मिलकर आया था मुझे निकालना है पेन और बुक के बीच का डिफरेंस ढाई सौ और एक सो चालीस का डिफरेंस दिस इज नो दस रुपया गोट इट है प्रॉफिट दूसरे पर प्रॉफिट पर परसेंटेज मैच नहीं कर रही हो आप मैच करवा लेना कितना गैप कर रहा है जो इग्नोर किया था पांच परसेंट पेन के बराबर हो गया पेन का कोस्ट आ गया दूसरे का निकाल के डिफरेंस कर दो एलिगेशन से भी हो जाता है इससे जल्दी समझ में आएगा एलिगेशन में पंगा ही हो सकता है ये डाटा जब इसके ऊपर डालोगे ना एवरेज प्रॉफिट परसेंट निकालने में फंस जाओगे ठीक है इसमें दिक्कत क्या ये समझने में दिक्कत लगी तुम्हें हैं ये समझने में दिक्कत लगी इसको करिए ना इतना आसान तरीका बताया द शॉर्टकट मेथड बताइए इसका आंसर डायमीटर ऑफ़ ऑफ़ व्हील साइकिल साइकिली वन सेंटीमीटर साइक्लिस्ट टेक फोर्टी फाइव मिनट्स टू रीच ए डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 16.5 फाइव किलोमीटर पर आवर हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल द व्हील मेक ड्यूरिंग द जर्नी व्हील ने कितने चक्कर मारे हैं जर्नी के दौरान ये आपको बताना है सोचो ना इंडिया सोचो आंसर बताओ दोस्त <laughs> इसका आंसर करिए ना लाइक like, शेयर कर दीजिएगा सेशन को आइए मैं समझाती हूं वन चक्कर मीनस टू पाई टू पाई टू पाई टू पाई डायमी साइकिल्वेंटी वन सेंटीमीटर ठीक है एक, एक सेकंड मुझे ये बताइए टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है सोलह पॉइंट पांच किलोमीटर पर आर की स्पीड से पैंतालीस मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा पैंतालीस मिनट का मतलब पैंतालीस बटा साठ घंटे 16.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा इतना इसको आप टेन कर दीजिए टोटल डिस्टेंस देख लें 15 3 जा 15 4 जा हम्म इतना डिस्टेंस कवर होगा ना सब लोग बताइए इसको काटना ही नहीं काटना आपकी मर्जी है 16.5 किलोमीटर पर आर 45 मिनट को मैंने घंटों में बदल लिया और इतना डिस्टेंस कवर होगा इसको अभी मैं ना भी काटू तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है थोड़ा सा काट लेती तो काट लेती जैसे ऐसे बन गया 165 मेरे को जब लगेगा मैं काट लूंगी इतना छोड़ सकती ना अभी छोड़ दिया मैंने मान लो मैं क्या बाद में काटूंगी ठीक है ऐसे करके मैंने छोड़ दिया अब आप मेरे को ये बताइए ये मामला है किलोमीटर आपका वैल्यू निकल के आया किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हजार मीटर होते हैं मैंने कहा जी, हजार तो हो गया मीटर के लिए ठीक है, है, थोड़ी जगह कम इसलिए जी, यही था ना और इसका टेन नीचे लिखा था मैंने मतलब यहाँ पे थ्री फोर सा एक किलोमीटर में हजार मीटर होते हैं और एक मीटर में सो सेंटीमीटर होते हैं ऐसा मैं क्यों कर रही हूं मैं बताती हूँ एक किलोमीटर में हजार मीटर एक मीटर में सौ सेंटीमीटर तो ताकि सारी बात सेंटीमीटर में चले कुल मिला के इतना सेंटीमीटर चला है पहिया ठीक है लेकिन पहिए का डायमीटर इक्कीस है तो पहिया की रेडियस निकालने पर इक्कीस बटा दो यूज होगा ना तो टू इंटू यहाँ पे लिख दीजिए टू इंटू ट्वेंटी टू, टू सेवन इंटू रेडियस ऑफ द पहिया एक गोला टू पैर का होता है वन गोला इज ऑफ टू पाई आर तो आपको बताना है कि कितने चक्कर लगे आपने कहा एन चक्कर लगेंगे बस अब है काटम पीटम का गेम ठीक है अब है काटने पीटने का खेल ठीक है ये सिनेरियो सेट है जैसे ठीक लगे जैसे पंद्रह पे पहले काट ही दिया था तो फिर उड़ाई देना था ऐसे चार पे काट दिया होता है ना मुझे एन की वैल्यू चाहिए सही है चलिए तो फिर दो से दो उड़ गया सात ने इसको तीन पे काट दिया तीन से ये उड़ गया और दसो जी ग्यारह पे पांच पर ये कट गया ग्यारह के टेबल पे दो पे ये कट गया ठीक है जी जी और बताओ जी और क्या कटने को तैयार बैठा हुआ है और कुछ कट जाए तो मजा ही आ जाए ठीक है ये देखिए ना दो ने कहा मैं काट देता हूं यहाँ पर पांच सौ पर फिर चार कहता है मेरा भी इस्तेमाल कर लो फिर तो मैं भी काट देता हूं पच्चीस पर तो आपको देखेगा पिचहत्तर इंटू पच्चीस और एक जीरो ये उड़ जाएगी दस बचेगा तो ये अपने को गुना करना है ठीक है ये अपने को गुना करना है इसके बाद अपना आंसर आ जाएगा ठीक है अब आप कर दीजिए गुना ठीक है मैं सोच रही हूं कोई डिविजिबिलिटी रूल लगा दू क्या देखो मुझे पता है ये दोनों आंसर हो नहीं सकते थोड़ा सा तो कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करते हैं ये दोनों आंसर हो नहीं सकते क्योंकि पीछे एक जीरो आनी कन्फर्म है तो हम एक काम कर सकते हैं हम कोई मल्टीपल रूल लगा दे जैसे कि पिछहत्तर मतलब पंद्रह में तीन होता है तीन का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं है? दो चौदह का मल्टीपल नहीं है ये है तीन का मल्टीपल डिजिट सम कर दिया आप गुना से बच गई ठीक है आठ और एक नौ सात सोलह और पांच इक्कीस तीन पर जाएगा डिजिट सम करके देख लो मैंने कहा पूरी गुना क्यों करूं ठीक है करने को कर लीजिए आंसर आ जाएगा बट मैंने सोचा कि कम से कम लास्ट में तो टाइम बचा लू। ये तो पता है मुझे कि पीछे जीरो से पहले एक पांच आएगा वो इन्ही दोनों ऑप्शन में ठीक है थीके? तीन की डिविजिबिलिटी लगा लेती और गुना इतनी मुश्किल नहीं है कि कर ही नहीं जा सकती बट सही था अगर ना करते तो हाँ है आप लोगों की बताओ रिंकेश जी क्या मेरी ये वाली बात से आप सब सहमत है एक बार यस कर दीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है तो मेरे को ना आपके कमेंट्स एक तो लेट लेट नजर आ रहे हैं ठीक है क्लियर हो गया मजे से समझ में आ गया सब लोगों को चलो बहुत ही बढ़िया ठीक है जी तो अगले क्वेश्चन में चले हम लोग एक ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ठीक है इट इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस जल्दी से करिएगा थोड़ा बहुत हाइट एंड डिस्टेंस ठीक है आप जानते ही हो, आता ही है, बी आर सी एग्जाम में जल्दी से ट्राई करके मुझे आंसर करिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक तीस मीटर लॉन्ग ट्री को एक टोर्नाडो ने नीचे गिरा दिया मतलब भूकंप टाइप आ गया बवंडर सा आ गया ठीक है और जो टोप है ना ग्राउंड पर नीचे गिर गया तीस डिग्री का एंगल बना के आपको बताना है कि ट्री कितनी हाइट तक ब्रोक हुआ है कहां से टूट के नीचे गिरा है बताइए सॉल्व दिस प्लीज देखिए ट्री कुछ इस तरह से खड़ा था जैसे ही हवाई यहां से कट लगा नीचे गिर के ये हिस्सा जाके जमीन पे ऐसे गिर गया ठीक है मैं आपको एक पहले बात बता देती हूँ कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर आप नहीं जानते हो तो सीख लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में या कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर साइड्स का रेशियो लेना और यहाँ तीस एंगल बन रहा हो तो यहाँ साठ बनेगा ऑब्वियस है अगर ये नाइन्टी है तो तीनों एंगल का सम वन एट्टी डिग्री होता है तो ये नाइन्टी है तो इन दोनों का सम भी नाइन्टी जाएगा ये तीस है तो ये साठ होगा अब याद रखना तीस के सामने एक साठ के सामने रूट और नब्बे के सामने दो होता है ठीक है बार बार टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा मत करिए ये साइड्स का रेशो याद रखिए तीस के सामने एक साठ के सामने रूट तीन नब्बे के सामने दो बस आपने कहा ये हिस्सा टूटा और ऐसे नीचे गिर के तीस डिग्री का एंगल बनाया जैसे ही तीस डिग्री का एंगल बना ना मेरे दिमाग में सारी साइड्स की रेशो आ जाती है वन टू रूट थ्री जो मैंने अभी अभी लिखी थी ठीक है आपने मेरे को बताया कि ना तीस मीटर लंबा ट्री है ये पूरा ट्री तीस मीटर का है ठीक है और आपने मुझे एक बात बोली है क्या कि मैम मेरे को जानना है कि कितनी हाइट से ट्री टूटा है यानी आपको वन की वैल्यू चाहिए ये वैल्यू चाहिए अच्छा एक बात बताइए मान लीजिए आप चिपकाने की कोशिश करें तो ये जो गिरा हुआ हिस्सा ये सीधा खड़ा हो गया ये गिरा हुआ हिस्सा ए ए ए मैं इसको अगर ऊपर चिपका दू वापिस तो ये दो ही हो गया ना इसका मतलब हाइट तीन हो गई क्या ऐसे समझ सकते हैं आप लोग नहीं ध्यान से करिए क्या मैं बोल सकती हूँ ये पूरा तीन यूनिट हो गया आप बोलोगे जी हाँ बोल सकते हो तीन यूनिट पूरा ये दो वापस खड़ा कर दिया तो पूरी हाइट तीन हो गई अपने को बताना है टूटा कहाँ तक एक तक टूटा है तीन बराबर तीस मीटर के हो गया तो एक यूनिट बराबर दस मीटर के हो गया हमारे सवाल का जवाब हो गया दा मीटर क्लियर हुआ जी बोलो जी बोलो बोलो समझे के नहीं समझे क्लियर है जी सब लोगों को आलोक जी बताइए समझ गए आप सब नालेन गलती कर दी ध्यान से करना था झोल कर दिता, ठीक है ओके okay, उम्मीद करती हूँ आपको सारा कुछ समझ में आपके माइंड में फिट, फिट हो गया होगा सही तरीका बताया ना ये ट्रेंगल हमेशा याद रखना ठीक है चलिए अच्छे से समझ में आया होगा आपको सारा कुछ अभी आगे चलते हैं, एक सवाल और बचा हुआ है उसको देख लेते करिए

कुछ ऐसा आठ क्यूब्स अटैच हो जाएंगे है ना कुछ इस तरह से लुक आएगी ना इस पर्टिकुलर सेशन में तो मिक्स्ड हैं क्वेश्चन ठीक है ऐसे लुक आएगी ना आठ क्यूब्स हैं। एज पांच सेंटीमीटर लेंथ भी ब्रेड भी हाइट भी लेकिन लेंथ तो बदल गई ना एज तो पांच रही हाइट भी पांच रही लेकिन लेंथ बदल गई ना कितनी हो जाएंगी आठ बनेंगी ना आठ बनाने तो बना लो एक दो तीन चार पांच पांच तो बना ही चुकी हूं छह सात और आठ ठीक तो अच्छा तो है तो आप बोलोगे चालीस होगी ये तो क्यूबोड बन गया ठीक है है सही तो आप मुझे ये बताइए टोटल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूबॉइड का दो बार लेंथ ब्रेड आप जिस रूम में बैठे हो उसका सरफेस एरिया बताना आप लोग दो बार जमीन और सर दो बार सामने वाली दीवारें दो बार इधर वाली दीवारें तो यही होता है ना क्यूब क्यूबोइट का टोटल सरफेस एरिया ठीक है अब यहाँ पर आराम से हैंडल कर लीजिए और कोशिश करिएगा आप आराम से टैकल करे बिना <coughs> किसी पंगे के ब्रेड हाइट क्या है लेंथ चालीस है ब्रेड पांच है और हाइट भी पांच है तो ये बन गया दो ये बन गया पच्चीस और ये फिर से बन गया दो सौ मैं तो कहती हूँ चार सौ पच्चीस को दो से गुना करना है 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। ठीक है। अरे मैं दीवारों की बात कर रही हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात ही नहीं होती होलो होलो से सरफेस एरिया की बात हो रही है धीरज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज क्वाइट डिफरेंट थिंग्स सरफेस एरिया मतलब जिस जगह को तुम छू पाओ तुम्हारा रूम चाहे होलो है लेकिन दीवारें तो सरफेस तो है ना टच तो कर सकते हो ठीक है चलिए ओके इजाजत लेने से पहले एक छोटी सी बात आप लोग फिलहाल टेक्स्ट सुपर कोचिंग में अगर जुड़ना चाहते हो एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो मैं आपके सामने शो कर दूं कि बहुत सारे कोर्सेज हमारे लाइव पर ऐप हैं लाइव पर उल्टा बोल दिया ऐप पर लाइव है लाइव पर ऐप है ठीक है ऐप पर लाइव है एटीसी का कोर्स ठीक है पीजीसीएल का अगर आप तैयारी कर रहे हो ठीक है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टाइम से क्योंकि एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ फिलहाल आपको सुपर कोचिंग प्लान मिल रहा है ठीक है आपको मैं बता दूं इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट देखिए लाइव क्लासेस हमारी सारी नॉन टेक सब्जेक्ट्स की टेक्निकल सब्जेक्ट्स सबकी लाइव क्लासेस इसमें है कूपन कोड आप गोपी का यूज कर लेना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर अप्लाई कूपन की जगह ना आप लोगों को इसको हटा के मेरा नाम डालना है कूपन कोड लगाइए गोपी का नाम डालिए अप्लाई हमारी मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए ठीक है हाँ जहाँ पेंट करते हैं आप ये दीवार दिख आपको दीवार तो नहीं दिख रही होगी ये सरफेस है इसको मैं छू सकती हूँ दैट इज़ सरफेस सरफेस एरिया ठीक है आप जिसको फील कर सके छू के डेट इज सरफेस एरिया ठीक है ये रिमोट सरफेस एरिया कितना है एरिया बताओ ठीक है इट इज़ ऑल्सो लाइक ए क्यूबॉइड फिगर ठीक है डायमेंशन हो तो कोई भी बता देगा चलिए उम्मीद करती हूँ सेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें हर चैप्टर को मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए ठीक है ठीके? बाकी अर्थमेटिक का लेवल तो आपने देख ही लिया आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच हैव गुड डे टेक केयर कल सुबह नौ बजे ए के लिए रेगुलर क्लासेज जैसे चल रही है वैसे ही आएंगी ठीक है टाटाज टेक केयर्यस बाइज